कृष्ण गरुड़ पर बैठा वह व्यक्ति अचानक से वीणा बजाने लगा, जिस कारण उसकी वीणा से कुछ तरंगे निकलने लगी और जहां पर भी वह तरंगे जा रही थी पूरे वातावरण में एक अलग ही प्रकार की ताजगी भर रही थी। इस व्यक्ति ने सफेद चमकदार कपड़े पहन रखे थे और यह पद्मासन की स्थिति में बैठा हुआ था। हर बार जब भी उसका हाथ वीणा के तारों पर जा रहा था, वीणा के अंदर से एक मधुर ध्वनि निकल रही थी। देखने से यह व्यक्ति 26 से 27 साल का लग रहा था, जिस कारण इसकी पहचान को लेकर आकर्ष के मन में और भी अधिक सवाल उठने लगे। सिर्फ 26 से 27 साल की उम्र में इसने ब्रह्म मंडल के सातवें स्तर में प्रवेश कर लिया है, और तो और यह एक मूल मंडल के आसुरी पक्षी की सवारी भी कर रहा है। इस प्रकार के व्यक्ति की पहचान सामान्य तो किसी भी हालत में नहीं होगी, आकर्ष ने एक गहरी सांस लेते हुए अपने आप से कहा। उस व्यक्ति का ऊर्जा स्तर देख आकर्ष थोड़ा हैरान था, क्योंकि अगर उनके गुरुकुल की बात करें तो उनमें सबसे प्रतिभाशाली शिष्यों में से एक मिहिर भी 28 साल की उम्र में मात्र ब्रह्म मंडल के तीसरे स्तर में प्रवेश कर पाया था। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता था कि प्रतिभा के मामले में यह व्यक्ति कितना ज्यादा आगे था। मिहिर से उम्र के मामले में पीछे होने के बावजूद यह ऊर्जा स्तर के मामले में मिहिर से बहुत आगे था। यह व्यक्ति आखिरकार है कौन, आकर्ष ने अपने आप से पूछा। यह तो वीणापति है ना? ठीक इसी समय किसी ने एक आश्चर्य से भरे स्वर में चिल्लाते हुए कहा। चिल्लाने वाला यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि मिहिर था, जो कि आकर्ष के पास ही में खड़ा था, जिसको देखकर उसने यह नाम लिया था। वह कृष्ण गरुड़ पर बैठा वो 26 से 37 साल का व्यक्ति था। वीणापति अवंती साम्राज्य की नई पीढ़ी के 5 सबसे प्रतिभाशाली योद्धाओं में से एक। यह नाम सुनकर एक पल के लिए तो आकर्ष चौंक पड़ा। सिर्फ वो ही नहीं, गुरुकुल के बाकी माध्यमिक शिष्य जिन्होंने मिहिर से उस व्यक्ति के बारे में सुना था, वह सभी भी उसकी पहचान सुनकर हैरान थे। ये व्यक्ति वीणापति है, कहीं तुम लोगों का मतलब उस वीणापति से तो नहीं, जिसकी गिनती अवंती साम्राज्य की नई पीढ़ी के 5 सबसे शक्तिशाली और प्रतिभाशाली योद्धाओं में होती है। मैंने सुना है कि वीणापति का स्थान उन 5 योद्धाओं में तीसरे स्थान पर आता है। सिर्फ इतना ही नहीं, मात्र 26 साल की उम्र में वीणापति ने ब्रह्म मंडल के 7वें स्तर में भी प्रवेश कर लिया था। क्या बात कर रहे हो, सिर्फ 26 साल की उम्र में? इतनी खतरनाक प्रतिभा तो बहुत ही कम योद्धाओं में देखने को मिलती है। मुझे नहीं लगता कि आकर्ष के अलावा पूरे गुरुकुल में ऐसा कोई दूसरा योद्धा होगा जो प्रतिभा के मामले में वीणापति को टक्कर दे सकता होगा। लेकिन प्रतिभा और शक्ति दोनों एक दूसरे से पूरी तरह अलग है। अगर शक्ति की तुलना की जाए तो आकर्ष इस वीणापति के सामने कुछ भी नहीं है। रही बात प्रतिभा की, तो भले ही आकर्ष अब भी प्रतिभा में आगे है, लेकिन उसे शक्ति के मामले में वीणापति के बराबर पहुंचने में काफी समय लगने वाला है। सभी की चर्चा की शुरुआत तो वीणापति की पहचान से हुई थी, लेकिन अब यह चर्चा आकर्ष और वीणापति की तुलना करने पर पहुंच गई थी। एक ब्रह्म मंडल का योद्धा होने के कारण वीणापति भी सभी शिष्यों की बातें सुन पा रहा था, इसलिए जैसे ही उसने सुना कि उससे भी प्रतिभाशाली कोई शिष्य यहां पर मौजूद है, तो उसके हाथ अपने आप अपनी वीणा पर रुक गए। उसके हाथों के रुकते ही आसपास के वातावरण में एक बार फिर से सन्नाटा छा गया। अब वीणापति उस कृष्ण गरुड़ के पीठ पर खड़ा हुआ और वहां से नीचे की तरफ छलांग लगा दी। जिस ऊंचाई से उसने छलांग लगाई थी वह ज्यादा नहीं थी, इसलिए वो बड़ी आसानी से जमीन तक पहुंच गया। दोनों विभाग प्रमुखों को सुयोधन का प्रणाम। वीणापति ने विभाग प्रमुख मानव और विभाग प्रमुख नयनतारा को प्रणाम करते हुए कहा। सुयोधन वीणापति का वास्तविक नाम था, जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को पता नहीं था। स्वागत है वीणापति, विभाग प्रमुख मानव ने एक मुस्कुराहट के साथ वीणापति के प्रणाम का जवाब दिया। वीणापति पूरे अवंती साम्राज्य की नई पीढ़ी के 5 सबसे शक्तिशाली शिष्यों में से एक था, इसलिए वह चाहकर भी उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। वही उनके विपरीत नयनतारा ने बस धीरे से अपना सर सहमति में हिलाकर वीणापति के प्रणाम का जवाब दिया। नयनतारा से अपने प्रणाम का ऐसा जवाब मिलने के बाद वीणापति की आंखों में एक कर्कशता का भाव आ गया। वैसे तो उसका यह भाव बहुत ही निपुणता से छुपा हुआ था, मगर फिर भी आकर्ष ने उसे देख लिया था। आकर्ष एक हत्यारा था
इसलिए उसे लोगों के स्वभाव की अच्छे से पहचान थी। ऐसे ही थोड़ी ना उसे पृथ्वी के सबसे खतरनाक इंसान की उपाधि मिली थी। सिर्फ उस भाव को देखकर ही आकर्ष को अंदाजा लग गया था कि वीणा पति किस प्रकार का इंसान है। वो उन इंसानों में से आता था जिनके चेहरे पर कुछ और होता था और मन में कुछ और। आकर्ष इन सबके बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसकी नजर वीणा पति पर पड़ी और वो चौंक गया, क्योंकि वीणा पति इस समय बड़े ही अजीब तरीके से दिया को घूर रहा था। हम फिर से मिल गए दिया, वीणा पति ने हल्का सा मुस्कुराते हुए दिया से कहा। इस समय उसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ दिया की झलक थी। ऐसा लग रहा था जैसे दिया के अलावा उसे किसी की भी परवाह नहीं है। वीणा पति की बात का दिया ने ज्यादा कुछ जवाब नहीं दिया और वो उसे नजरअंदाज करने लगी। और यह, जैसे ही वीणा पति की नजर दिया के पास में खड़ी कनवी पर पड़ी तो वो उसकी सुंदरता देख कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध रह गया। उसके पास ऐसा कोई शब्द नहीं था जिसके साथ वो कनवी की सुंदरता का वर्णन कर सकता था। कनवी की पहचान जानने के लिए उसने कनवी की तरफ देखा। उसे लग रहा था कि शायद कनवी सामने से अपनी पहचान के बारे में बताएंगी, लेकिन यहां भी उसे निराशा ही हाथ लगी, क्योंकि दिया की भांति कनवी ने भी उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। दोनों सुंदर लड़कियों से इस तरह नजरअंदाज होने के बाद आखिरकार वीणा पति की नजर आकर्ष पर पड़ी। वीणा पति भी आखिरकार एक पुरुष ही था, और बाकियों की तरह यह उसके लिए भी यह बहुत सामान्य था कि दो सुंदर लड़कियों को किसी और पुरुष के साथ देख उसे जलन महसूस हो। वीणा पति की नजर अपने ऊपर देख आकर्ष को खतरे का आभास होने लगा। वो वीणा पति की आंखों में अपने लिए एक चेतावनी का भाव साफ देख पा रहा था, लेकिन यह चेतावनी का भाव किस बात को लेकर था इसके बारे में आकर्ष को अभी भी कोई अंदाजा नहीं था। विभाग प्रमुख नयनतारा, मैं आज यहां आपके पास एक बहुत ही जरूरी काम से आया हूं, वीणा पति ने विभाग प्रमुख नयनतारा की तरफ देखते हुए कहा। एक वाक्य कहने के बाद उसने एक क्षण का विराम लिया और फिर अपने आने का असली कारण बताया। मैं अपनी शादी का प्रस्ताव लेकर आया हूं। शादी का प्रस्ताव? जैसे ही वीणा पति की बात खत्म हुई आसपास खड़े सभी लोग कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध रह गए। आपको याद होगा जब आप अवंती साम्राज्य की राजधानी कौशाम्बी से गुजर रही थीं, तब आप कुछ समय के लिए हमारे महल में रुकी थीं। उस समय आपकी यह शिष्या दिया भी आपके साथ थी। जब मैंने दिया को पहली बार देखा था मैं तभी इसे अपना दिल दे बैठा था। कौशाम्बी से निकलने के बाद मुझे पता नहीं था कि आप कहां पर हैं, इसलिए मैंने आपके बारे में पूछताछ करनी शुरू की और इससे मुझे पता चला कि आप यहां गुरुकुल में आई हुई हैं। इसलिए मैं जितना जल्दी हो सके यहां आपसे मिलने आ गया। मैं आज यहां आपसे आपकी शिष्या दिया का हाथ मांगने आया हूं। मैं आशा करता हूं कि आप मेरे शादी के इस प्रस्ताव को स्वीकार करेंगी, वीणा पति ने विभाग प्रमुख नयन तारा से कहा। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की नयन तारा के चेहरे के भाव कठोर हो गए। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बस आकर्ष की तरफ देखने लगी। इतना तो उन्हें भी समझ में आ गया था कि वीणा पति ने यह शब्द कहकर अपनी और आकर्ष की दुश्मनी का ऐलान कर दिया है, और जिस प्रकार का आकर्ष का चरित्र था उसके साथ यह बात तो निश्चितता के साथ कही जा सकती थी कि चाहे परिस्थिति कितनी भी विपरीत क्यों ना हो आकर्ष अपने दुश्मनों को कभी भी नहीं छोड़ता है। जैसा नयनतारा ने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। वीणा पति की बात सुनने के बाद आकर्ष के चेहरे पर गुस्से का भाव साफ दिखाई दे रहा था। जब पहली बार वीणा पति की नजर दिया पर पड़ी थी आकर्ष उसी समय समझ गया था कि कुछ तो गलत होने वाला है, लेकिन उसने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि वीणा पति यहां पर दिया का हाथ मांगने आएगा। उसी के सामने उसकी होने वाली पत्नी दिया का हाथ मांगना, आकर्ष ऐसे इंसान को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला था। मैं आशा करता हूं कि विभाग प्रमुख इस प्रस्ताव को स्वीकार करेंगी। अगर आप मेरे इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती हैं तो मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं अपने मास्टर से कहकर शादी के उपहार के रूप में आपको एक पांचवें स्तर का जादुई हथियार भेंट करूंगा, वीणा पति ने अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहा। उसकी यह बात सुनकर तो गुरुकुल के सभी माध्यमिक शिष्य चौंक पड़े। किसी और चीज का पता हो या ना हो, लेकिन उन्हें यह बात बहुत अच्छे से पता थी कि यह पांचवें स्तर का जादुई हथियार क्या महत्व और स्थान रखता है।
एक पांचवें स्तर का जादुई हथियार। इतना कीमती उपहार तो आज तक हमारे गुरुकुल को किसी से भी प्राप्त नहीं हुआ है। पूरे गुरुकुल में सिर्फ एक पांचवें स्तर का जादुई हथियार है, वो भी गुरुकुल प्रमुख के पास है। अगर इस वीणापति के मास्टर शादी के उपहार के रूप में एक पांचवें स्तर का जादुई हथियार भेंट कर सकते हैं, तो इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता है कि इसके मास्टर कितने शक्तिशाली होंगे। मुझे वीणापति के मास्टर के बारे में ज्यादा तो पता नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि वीणापति के मास्टर अवंती साम्राज्य से नहीं है। जब वीणापति छोटा था, उस समय इसने अवंती साम्राज्य के बाहर के एक शक्तिशाली योद्धा को अपने मास्टर के रूप में चुना था। इसके मास्टर उस समय भी बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे। ऐसे में अभी के समय तो उनकी ताकत और भी ज्यादा उच्च स्तर में पहुंच चुकी होगी। गुरुकुल के सभी माध्यमिक शिष्य इस समय वीणापति और उसके मास्टर के बारे में ही बातें कर रहे थे। उनके लिए तो एक पांचवें स्तर का जादुई हथियार एक ऐसा हथियार था जिसे वो अपने पूरे जीवन की पूंजी लगाकर भी प्राप्त नहीं कर सकते थे। वीणापति, ठीक इसी समय एक बहुत ही शांत आवाज ने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचा। यह आवाज दिया की थी। वीणापति को संबोधित करने के बाद उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और आकर्ष का हाथ अपने हाथों में ले लिया। वैसे तो इसी से साबित हो गया था कि दिया का जवाब क्या है, मगर फिर भी वीणापति को जवाब देने के लिए दिया ने एक कर्कश आवाज में कहा, वीणापति, मुझे तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार नहीं है। न पहले कभी था, न आज है, और न ही आगे कभी होगा। मेरे दिल में सिर्फ एक ही इंसान के लिए जगह है, और जब तक मैं जीवित रहूंगी सिर्फ उसी के लिए जगह रहेगी। दिया का यह जवाब सुनकर आकर्ष के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। यह पहली बार था जब दिया ने सभी के सामने इस बात को स्वीकार किया था कि उसके दिल में सिर्फ आकर्ष के लिए जगह है। दिया का यह जवाब सुनने के बाद वीणापति के हाथ में मौजूद वीणा की एक तार टूट गई। इसकी उम्मीद तो उसने भी नहीं की थी कि दिया इस प्रकार से उसे मना कर देगी। विभाग प्रमुख नयन तारा, वीणापति ने नयन तारा की तरफ देखा और उनसे कुछ कहने की कोशिश की, मगर उसके ज्यादा कुछ कहने से पहले ही नयन तारा ने अपना सर असहमति में हिलाते हुए जवाब दे दिया, इस मामले में मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूं। दिया को अपना जीवन किसके साथ बिताना है और किसके साथ नहीं, यह पूरी तरह से उसका खुद का फैसला होगा। उसकी मास्टर होने के नाते वो जो भी फैसला करेगी, मैं उसका पूरा समर्थन करूंगी। नयन तारा का यह जवाब सुनकर वीणापति के चेहरे के भाव और ज्यादा कठोर हो गए। अब कोई भी रास्ता न देखकर उसने आकर्ष की तरफ देखा और उसको धमकी देते हुए कहा, तुम दिया को छोड़कर चले जाओ, बदले में तुम्हारी जो भी इच्छा होगी मैं उसे पूरी कर दूंगा। धमकी देने के साथ साथ वो आकर्ष को एक प्रस्ताव भी दे रहा था, जो कि प्रस्ताव कम और भीख ज्यादा लग रहा था। लगता है जब ऊपर वाला बुद्धि बांट रहा था तब तुम कहीं दूर खेल रहे थे, शायद इसी वजह से तुम अकल से थोड़े पैदल हो। आकर्ष ने वीणापति की धमकी व प्रस्ताव दोनों को पूरी तरह से नजरअंदाज किया और एक शांत स्वर में जवाब दिया, अकल से पैदल? आकर्ष की बात सुनकर आसपास खड़े सभी माध्यमिक शिष्य एक बार फिर से चौंक पड़े। सभी को अभी भी अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि आकर्ष ने अवंती साम्राज्य की नई पीढ़ी के पांच सबसे शक्तिशाली शिष्यों में से एक वीणापति को अकल से पैदल कहा है। इस समय सिर्फ गुरुकुल के माध्यमिक शिष्य ही नहीं, बल्कि विभाग प्रमुख मानव और विभाग प्रमुख नयन तारा भी आकर्ष का जवाब सुनने के बाद हैरान थे। आकर्ष वीणापति को कुछ ऐसा कह देगा, इसकी उम्मीद तो उन दोनों ने भी नहीं की थी। क्या तुम मरना चाहते हो? शुरुआत में तो वीणापति कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दे पाया, लेकिन थोड़ी देर बाद जब उसे समझ में आया कि आकर्ष ने सभी के सामने उसकी बेइज्जती की है, तो वो गुस्से से लाल पीला हो उठा। उसने तुरंत अपनी आंतरिक ऊर्जा का इस्तेमाल किया और अपनी वीणा की एक तार को स्पर्श किया। उसके ऐसा करते ही वीणा से एक बहुत ही कर्कश और कानों को चुभने वाली आवाज उत्पन्न हुई। इस बार इस आवाज को उत्पन्न करने के लिए वीणापति ने अपनी आंतरिक ऊर्जा का इस्तेमाल किया था, इसलिए जैसे ही कमजोर ऊर्जा स्तर वाले योद्धाओं ने वह आवाज सुनी तो उन्हें अपनी आंतरिक ऊर्जा में एक कंपन महसूस होने लगा। यह आकर्ष की आवृत्ति ऊर्जा के जैसे कंपन नहीं थे, बल्कि इनका प्रभाव पूरी तरह से विपरीत था।
उन सभी योद्धाओं के आंतरिक अंगों को चोट पहुंचा रहा था। अचानक से वीणापति की उस वीणा से एक तरंग बाहर निकली जिसने एक तीर का रूप ले लिया और वो आकर्ष की तरफ बड़ी ही तेजी से बढ़ने लगी। उसकी रफ्तार देखकर ही स्पष्ट हो गया था कि अगर यह तीर आकर्ष को लगा तो उसे गंभीर रूप से जख्मी कर सकता है। वीणापति अभी भी अपनी आंतरिक ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहा था और उसके सिर के ऊपर पूरे 1400 हाथियों की परछाइयां प्रकट हो रखी थीं। एक पांचवें स्तर का जादुई हथियार, आकर्ष ने एक आश्चर्य के भाव के साथ कहा। वीणापति एक ब्रह्म मंडल के सातवें स्तर का योद्धा था जो अपनी शारीरिक शक्ति के साथ 1000 हाथियों की शक्ति उत्पन्न कर सकता था। ऐसे में जो अतिरिक्त 400 हाथियों की परछाइयां प्रकट हुई थीं, वो किसी पांचवें स्तर के जादुई हथियार के साथ ही उत्पन्न की जा सकती थीं। जिसका दूसरा मतलब यह था कि वीणापति ने इस समय अपने हाथ में जो वीणा पकड़ रखी है वो एक पांचवें स्तर का जादुई हथियार है। सौम्य गति, इस समय उसके पास इन सब बातों के बारे में सोचने का ज्यादा समय नहीं था, इसलिए उसने तुरंत अपनी सौम्य गति का इस्तेमाल किया और अपने आप को उस तीर से बचाने की कोशिश की। अपनी रफ्तार को और अधिक बढ़ाने के लिए उसने अपनी आवृत्ति ऊर्जा का भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जब तक उसने प्रतिक्रिया दी थी तब तक वीणापति के द्वारा चलाया गया वह तीर आकर्ष के एकदम करीब पहुंच गया था। दोनों के बीच में मात्र आधे फीट की दूरी बच गई थी। आकर्ष के लिए अब इस प्रहार से बच पाना संभव नहीं था, इसलिए उसने अपनी सुरक्षा के लिए मंत्र अभिलेख का इस्तेमाल करने का सोचा। लेकिन इससे पहले कि वो अपना मंत्र अभिलेख इस्तेमाल करता, एक तलवार तेजी से आई और उसने आकर्ष के करीब पहुंचे वीणापति के उस तीर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। इस तलवार ने सिर्फ उस तीर को ही नष्ट नहीं किया था, बल्कि उसने वीणापति के हाथ में मौजूद उस वीणा की सभी तारों को भी काट दिया था। इस तलवार की रफ्तार से ही अंदाजा लगाया जा सकता था कि इस तलवार को चलाने वाला योद्धा कितना ज्यादा शक्तिशाली होगा। वीणापति अपनी आंतरिक ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहा था, इसलिए जैसे ही उस पर अचानक से यह प्रहार हुआ, उसकी आंतरिक ऊर्जा का संतुलन बिगड़ गया और उसने वापस उसी को ही चोट पहुंचाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से वीणापति के मुंह से खून निकलने लगा। विभाग प्रमुख नयनतारा, मैं तो बस इस लड़के की ताकत देखने की कोशिश कर रहा था जिसको दिया पसंद करती है। क्या अब मैं अपने प्यार को हासिल करने के लिए अपने प्रतिद्वंद्वी से मुकाबला भी नहीं कर सकता हूं? प्रहार करने वाला यह इंसान कोई और नहीं बल्कि विभाग प्रमुख नयनतारा ही थी। इसलिए वीणापति ने विभाग प्रमुख नयनतारा की तरफ देखते हुए कर्कश आवाज में पूछा। सबसे पहले तो यह कि प्यार कोई मुकाबला नहीं होता है, और दूसरी बात यह है कि अगर तुम मुकाबला करना चाहो तो केवल उस स्थिति में कर सकते हो जब दिया तुम दोनों में से किसी को भी पसंद ना करती हो। अगर दिया ने अपने लिए किसी को चुन लिया और उसके बाद अगर तुम उस इंसान पर प्रहार कर रहे हो तो यह मुकाबला नहीं बल्कि उसको जान से मारने की कोशिश है। दिया मेरी शिष्या है और उसका होने वाला पति एक प्रकार से मेरा दामाद हुआ, इसीलिए मेरे यहां होते हुए तुम उसे चोट पहुंचाना तो दूर, तुम उसे स्पर्श भी नहीं कर सकते हो। विभाग प्रमुख नयनतारा ने एक शांत स्वर में जवाब दिया। भले ही उनकी आवाज शांत थी लेकिन उसमें एक छुपा हुआ चेतावनी का भाव था। लड़के, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है, अगर तुम सच में एक मर्द हो तो मेरे साथ मुकाबला करो। जो जीतेगा दिया उसी की होगी, और हारने वाला दिया को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए यहां से चला जाएगा। क्या तुम्हारे अंदर मेरी इस चुनौती को स्वीकार करने की हिम्मत है? कोई भी रास्ता ना देख वीणापति ने आकर्ष को चुनौती देते हुए कहा। वीणापति, तुम्हें क्या लगता है यहां पर कोई खेल चल रहा है जो तुम जब चाहो जैसे चाहो किसी को भी चुनौती दे दोगे? दिया ने एक गुस्से से भरी आवाज में कहा। जब वीणापति ने आकर्ष पर प्रहार करने की कोशिश की थी, दिया उसी क्षण से उसे अपना दुश्मन मान चुकी थी, इसलिए अब वीणापति के साथ सौम्यता के साथ बात करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता था। दिया, तुम समझ नहीं रही हो, सिर्फ एक शक्तिशाली योद्धा ही तुम्हें जिंदगी भर सुरक्षित रख सकता है। इसके जैसा कमजोर इंसान तो तुम्हें मुसीबत में देखकर सबसे पहले भागेगा। ऐसे इंसान पर भरोसा करने से अच्छा है कि तुम मुझ पर भरोसा करो, वीणापति ने आकर्ष का मजाक उड़ाते हुए कहा। उसकी बात सुनकर आकर्ष जोर से हंस पड़ा। वीणापति ने अभी जो कुछ भी कहा था
वो उस बात से पूरी तरह से सहमत था, लेकिन उसकी बातें आकर्ष को किसी मजाक की तरह लग रही थीं। तुम्हें हंसी किस बात पर आ रही है? क्या मैंने कोई चुटकुला सुनाया है? वीणापति ने एक गुस्से से भरी आवाज में आकर्ष से पूछा। मैं किस बात पर हंस रहा हूं? मैं तुम्हारी मूर्खता और बेशर्मी पर हंस रहा हूं, आकर्ष ने एक बहुत ही कर्कश आवाज में जवाब दिया। मूर्खता और बेशर्मी? अपने बारे में ऐसे शब्द सुनकर वीणापति के चेहरे के भाव कठोर हो गए। पहले तो मुझे यह बताओ कि तुम होते कौन हो मेरी मंगेतर पर शर्त लगाने वाले? तुम्हें यह अधिकार किसने दिया? आकर्ष ने सभी के सामने वीणापति की बेइज्जती करते हुए पूछा। उसकी बात सुनकर वीणापति का मुंह तुरंत बंद हो गया। मानना पड़ेगा यह आकर्ष वाकई बहुत साहसी है। मुझे नहीं लगता कि आज के पहले किसी ने भी वीणापति की इस तरह से सभी के सामने बेइज्जती की होगी। ऐसा करने वाला यह आकर्ष पहला है। आकर्ष की इस बात से तो मैं भी सहमत हूं। अवंती साम्राज्य के सबसे प्रतिभाशाली योद्धा से जैसी उम्मीद थी उसने वैसा ही किया है। अगर समय आने पर वो अपने अपनों की सुरक्षा नहीं कर सकता है तो उसके योद्धा होने का क्या मतलब? बिल्कुल, देखा जाए तो दिया आकर्ष की मंगेतर है। ऐसे में वीणापति चाहे कितना ही प्रतिभाशाली और शक्तिशाली क्यों ना हो, वो किसी दूसरे पर बिना उसकी मर्जी के शर्त नहीं लग सकता है। गुरुकुल के सभी माध्यमिक जहां एक तरफ आकर्ष की तारीफ कर रहे थे तो वहीं दूसरी ओर वीणापति की बुराई। यह आकर्ष? आकर्ष का वह सवाल सुनकर विभाग प्रमुख मानव के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। पता नहीं क्यों पर आकर्ष का ऐसे दिया के लिए खड़ा होना उन्हें मन ही मन काफी ज्यादा खुश कर रहा था। उनका भी यही सोचना था कि वीणापति आज कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गया है। यह सप्त शौर्य गुरुकुल था, उसके परिवार का महल नहीं कि वो अपनी मन मर्जी से यहां पर कुछ भी कर सकता था। अब समझ में आया कि दिया इसे इतना पसंद क्यों करती है। उसकी जगह कोई भी लड़की होती तो शायद वह भी आकर्ष जैसे इंसान को ही अपने जीवन साथी के रूप में चुनती। विभाग प्रमुख नयन तारा ने अपने चेहरे पर एक बहुत ही दुर्लभ मुस्कुराहट प्रदर्शित करते हुए अपने आप से कहा, आकर्ष ने अभी जो कुछ भी किया था उसकी वजह से उनके मन को एक अलग ही प्रकार की शांति मिली थी। तो पुराना वाला आकर्ष आखिरकार लौट ही आया। मिहिर ने भी उत्साहित होते हुए अपने आप से कहा, जिस आकर्ष को वो जानता था उसे किसी का डर नहीं था। आज जब बैठक हो रही थी तब आकर्ष ने अपना यह रूप प्रदर्शित नहीं किया था। हां, उसने अपना खुद का पक्ष जरूर लिया था, लेकिन पहले की भांति उसने आज अपना उग्र स्वभाव नहीं दिखाया था। पर अब जब आकर्ष ने सभी के सामने वीणापति की बेइज्जती की तो मिहिर को वह पुराना वाला आकर्ष फिर से लौटता हुआ दिखाई देने लगा। वीणापति पूरे अवंती साम्राज्य की नई पीढ़ी के 5 सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में शामिल था। खुद मिहिर की भी उससे सीधे लड़ने की हिम्मत नहीं थी। भले ही गुरुकुल के अंदर मिहिर एक बहुत ज्यादा प्रतिभाशाली योद्धा था और उसकी पहचान भी बहुत ज्यादा शक्तिशाली थी, मगर वीणापति के आगे वो कुछ भी नहीं था। ऐसे में अगर उसका सबसे अच्छा दोस्त उसकी तरफ से वीणापति की बेइज्जती करता है तो इससे ज्यादा खुशी की बात मिहिर के लिए और क्या हो सकती थी। माया जो कि दिया और कन्वी के पास ही खड़ी थी, आज वो उन दोनों से ईर्ष्या करने से खुद को रोक नहीं पाई। आज से पहले जब भी वो आकर्ष को देखती थी तो उसके मन में यही सवाल आता था कि आखिर आकर्ष में ऐसा क्या है जो दिया और कन्वी उसे इतना पसंद करती है। आज उसे अपने इस सवाल का जवाब मिल गया था। सामान्य तौर पर तो जैसे जैसे योद्धाओं की ताकत बढ़ती जाती थी उनके करीबी भी बदलते जाते थे। भला एक शक्तिशाली योद्धा कमजोर योद्धा से दोस्ती क्यों करेगा? शक्तिशाली हमेशा शक्तिशाली से ही संबंध स्थापित करने की कोशिश करते थे, मगर आकर्ष के साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। उसकी शक्ति में बढ़ोतरी होने के बाद भी वो कन्वी और दिया को उतनी ही प्राथमिकता दे रहा था जितना कि वह पहले देता था। क्या तुमने अभी कहा कि मैं बेशर्म और मूर्ख हूं? कुछ देर तक तो वीणापति इस बात को पचा ही नहीं पाया कि आकर्ष ने फिर से सभी के सामने उसकी बेइज्जती की है। शायद मैंने कुछ गलत कह दिया। तुम सिर्फ बेशर्म और मूर्ख ही नहीं बल्कि बहरे भी हो। हर एक बात का जवाब तुम्हें 2 बार बताना पड़ता है। आकर्ष ने बिना किसी हिचकिचाहट के एक बार फिर से सभी के सामने वीणापति की बेइज्जती करते हुए कहा।
अब तो पूरे शिखर पर बिल्कुल सन्नाटा छा गया। सभी माध्यमिक शिष्य वीणा पति की तरफ देखने लगे, क्योंकि उन सभी को पता था कि अब वीणा पति कोई ना कोई प्रतिक्रिया तो जरूर देगा। आखिरकार उसकी पहचान इतनी विशेष थी, फिर वो किसी से अपनी बेइज्जती कैसे सुन सकता था। अवंती साम्राज्य में उसका नाम बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था। एक ब्रह्म मंडल के सातवें स्तर का योद्धा होने के साथ साथ उसके परिवार की भी अच्छी खासी शाख थी। ठीक इसी समय सभी को एक बहुत ही कर्कश आवाज सुनाई दी। उस आवाज को सुनते ही सभी आसमान की ओर देखने लगे। आसमान में बादलों के पीछे से अचानक से एक विशाल काय परछाई बाहर निकली और तेजी से आकर्ष की दिशा में बढ़ने लगी। अब इसकी ही कमी थी, आकर्ष ने थोड़ा गंभीर होते हुए अपने आप से कहा। यह विशालकाय परछाई उस कृष्ण गरुड़ की ही थी जिसकी सवारी करके वीणापति यहां पर आया था। शायद उस कृष्ण गरुड़ को इस बात का आभास हो गया था कि उसका मालिक गुस्से में है, इसीलिए वो अपने मालिक की तरफ से आकर्ष पर प्रहार करने के लिए आगे बढ़ा। पक्षी हो, अपनी हद में रहो। इस भूल में मत रहना कि मैं शांत खड़ा हूं तो तुम यहां पर कुछ भी कर सकते हो। उस कृष्ण गरुड़ को आकर्ष की तरफ आते देख विभाग प्रमुख मानव तेजी से आकर्ष के सामने आकर खड़े हो गए और एक कर्कश आवाज में उस कृष्ण गरुड़ से कहा। विभाग प्रमुख मानव के हाथ में इस समय उनकी तलवार थी जिसने उनकी शक्ति को और अधिक बढ़ा दिया था। जैसे ही उस कृष्ण गरुड़ को इस बात का आभास हुआ कि विभाग प्रमुख मानव उससे अधिक शक्तिशाली है, तो उसने तुरंत अपनी दिशा बदल दी और एक बार फिर से आसमान में जाकर छुप गया। आखिरकार वह एक आसुरी पक्षी था, उसके अंदर इंसानों के जितनी ही समझ थी, इसलिए समय रहते वह अपनी जान बचाकर वहां से ऊपर उड़ गया। तुम्हारे लिए ठीक यही रहेगा कि तुम वहीं ऊपर बैठे रहो। अगर तुमने फिर से नीचे आने की कोशिश की तो तुम्हारे दोनों पंखों को काट दिया जाएगा, विभाग प्रमुख मानव ने अपनी तलवार को वापस म्यान में रखते हुए कहा। उनकी धमकी सुनकर वो कृष्ण गरुड़ और अधिक ऊंचाई पर उड़ने लगा। विभाग प्रमुख मानव, अपने साथी की ऐसी हालत देख वीणापति आग बबूला हो उठा। वो इस समय इतना ज्यादा गुस्से में था कि उसकी सांस तक फूलने लगी थी। वीणापति की वो गुस्से से भरी आवाज सुनकर विभाग प्रमुख मानव की आंखों में एक कत्ल का भाव आ गया और उन्होंने इसी भाव के साथ वीणापति को घूर कर देखा। शुरुआत में विभाग प्रमुख मानव वीणापति के साथ काफी अच्छे से बोल रहे थे, क्योंकि उन्हें लगा था कि वीणापति एक काफी प्रतिभाशाली इंसान है जो आगे भविष्य में और अधिक ऊंचाइयों को छू सकता है। लेकिन अब उसकी असलियत देखने के बाद उनके मन में वीणापति के प्रति एक नफरत की भावना उत्पन्न हो गई थी। ऊपर से उसने आकर्ष पर प्रहार करके तो विभाग प्रमुख मानव का गुस्सा और अधिक भड़का दिया था। न सिर्फ आकर्ष उनके गुरुकुल का एक शिष्य था, बल्कि उनका काफी अच्छा दोस्त भी था। पूरे अवंती साम्राज्य में उसके जितना प्रतिभाशाली योद्धा कोई दूसरा नहीं था, वो उनके गुरुकुल का भविष्य था। इतना सब कुछ आकर्ष के साथ जुड़े होने के बाद वो भला आकर्ष की सुरक्षा को नजरअंदाज कैसे कर सकते थे। तुम्हें तो मैं बाद में देखूंगा, ये मत सोचना कि तुम आज बच गए हो तो जीवन भर मुझसे बचते रहोगे। जिस दिन मुझे मौका मिला मैं उसी दिन तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा। एक और बात, अगर तुमने कभी दिया के करीब जाने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हारी ऐसी हालत करूंगा कि मरने के बाद तुम्हारी आत्मा भी तुम्हारे शरीर को देख कांप उठेगी। मैंने सुना है कि तुम इस पूरे गुरुकुल के सबसे प्रतिभाशाली शिष्य हो। अगर सच में सबसे प्रतिभाशाली शिष्य भी इतना कमजोर और डरपोक है तो बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि तुम्हारे इस गुरुकुल में एक भी मर्द नहीं है। तुम जैसे कमजोरों की तुलना तो किसी जानवर के साथ भी करना उस जानवर की बेइज्जती होगी। किसी और पर अपना जोर ना चलते देख वीणापति ने आकर्ष को अपना निशाना बनाते हुए कहा। जब वो गुरुकुल में आया था तब उसने सभी माध्यमिक शिष्यों से आकर्ष के बारे में सुन लिया था। इसी से उसे पता चला था कि आकर्ष इस पूरे गुरुकुल का सबसे प्रतिभाशाली शिष्य है। सिर्फ गुरुकुल का ही नहीं, बल्कि वो अवंती साम्राज्य का भी सबसे प्रतिभाशाली योद्धा है। उस समय वीणापति इस बात को नजरअंदाज करने की कोशिश करने लगा, क्योंकि वो इस तथ्य को स्वीकार नहीं करना चाहता था
जहां तक उसका सोचना था तो पूरे अवंती साम्राज्य की नई पीढ़ी में केवल दो ही ऐसे योद्धा थे जिनको वह गंभीरता से ले सकता था, और ये दोनों ही योद्धा पांच सबसे प्रतिभाशाली योद्धाओं में उससे आगे थे। वीणापति अपने आप को ही सब कुछ मानता था। लोग चाहे कुछ भी क्यों ना कहे, पर उसका यही मानना था कि उससे आगे के दो योद्धा भी उससे ज्यादा प्रतिभाशाली और शक्तिशाली नहीं है। आज नहीं तो कल वह उन दोनों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाएगा। वीणापति की बात सुनने के बाद दिया का गुस्सा और अधिक बढ़ गया। वो वीणापति को कोई जवाब देने वाली ही थी कि तभी आकर्ष ने उसके हाथ पर अपनी पकड़ मजबूत की और उससे शांत रहने का इशारा किया। वीणापति या वीणापत्नी, तुम्हारा जो भी नाम या उपाधि है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किसके बारे में क्या सोचते हो, लेकिन अगर तुम्हारी नजर दिया पर गई तो तुम फिर कभी किसी को देखने लायक नहीं बचोगे। मैं अपनी तुलना दूसरों के साथ शक्ति के बल पर नहीं करता, इसीलिए मुझे अच्छे से पता है कि मुझे किसे धमकी देनी चाहिए और किसे नहीं। और रही बात तुम्हारी, तो तुम उस लायक भी नहीं हो कि मैं तुम पर ज्यादा ध्यान दूं। दिया क्या करना चाहती है, इसके लिए वो पूरी तरह से स्वतंत्र है। तुम्हें उसे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे हिसाब से शायद जिसे लड़ना आता है वही एक मर्द होता है, पर मेरे हिसाब से एक असली मर्द वह होता है जो जरूरत के समय अपने परिवार के साथ खड़ा रहे, न कि दूसरों को अपने इशारों पर चलाने की कोशिश करे। तुमने अभी कहा कि मैं तुम्हारे साथ मुकाबला करूं और इस बात को साबित करूं कि मैं दिया के लायक हूं। मुझे बताओ कि मुझे ऐसा करने की जरूरत क्या है। इसके अलावा तुम्हारी और मेरी उम्र में भी बहुत बड़ा अंतर है। अगर दो समान शक्ति वाले योद्धा लड़ते हैं तो उसे मुकाबला कहा जाता है, लेकिन अगर शक्ति में बहुत बड़ा अंतर हो तो इसे मुकाबला नहीं बल्कि मौत का खेल समझा जाता है। अगर तुम्हें अपनी शक्ति पर इतना ही ज्यादा विश्वास है तो तुम विभाग प्रमुख मानव के साथ मुकाबला क्यों नहीं करते। अभी पता चल जाएगा कि तुम कितने बड़े मर्द हो, आकर्ष ने कहा। भले ही वीणापति ऊर्जा स्तर के मामले में उससे बहुत आगे था, लेकिन उसे खत्म करना आकर्ष के लिए कोई असंभव काम नहीं था। उसे बस एक शुक्ति संक्षारण मंत्र अभिलेख का इस्तेमाल करना था और वीणापति जैसा योद्धा कुछ क्षणों में सभी की आंखों के सामने धूल बन जाता। सिर्फ एक वजह थी जिसकी वजह से आकर्ष ने अभी तक अपने इस मंत्र अभिलेख का इस्तेमाल नहीं किया था। उसे डर था कि अगर वह अपने मंत्र अभिलेख का इस्तेमाल करेगा तो विभाग प्रमुख मानव और विभाग प्रमुख नयनतारा बीच में आकर वीणापति को बचा लेंगे। गुरुकुल के विभाग प्रमुख होते हुए वह बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि वीणापति जैसा योद्धा उनके गुरुकुल की सीमा के अंदर खत्म हो। शायद उनकी नजर में वीणापति ने अभी तक ऐसा कोई बड़ा अपराध नहीं किया था जिसके लिए उसे मृत्युदंड मिल सकता था। तो तुम कहना चाहते हो कि मैं एक मर्द नहीं हूं? शायद तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि मैं कभी भी तुम्हारी जैसी योग्यता प्राप्त नहीं कर सकता हूं, और तुम्हारे साथ मुकाबला करके मैं सिर्फ अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल कर रहा हूं, वीणापति ने आकर्ष की कही सारी बातों को फिर से दोहराते हुए कहा। उसे लग रहा था कि इससे आकर्ष को गुस्सा आ जाएगा, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अगर तुम्हें मेरे साथ मुकाबला करना है तो ऐसा होना असंभव नहीं है। 3 साल, बस 3 साल इंतजार करो, फिर मैं खुद सभी के सामने तुम्हें मुकाबले की चुनौती देने आऊंगा, आकर्ष ने एक बहुत ही शांत स्वर में जवाब दिया। 3 साल, आकर्ष के कहे शब्दों में एक आत्मविश्वास का भाव था। उसकी बात सुनकर वीणापति को पहले लगा कि शायद आकर्ष कोई मजाक कर रहा होगा, इसलिए उसने विभाग प्रमुख मानव और विभाग प्रमुख नयन तारा की तरफ देखा, लेकिन उन दोनों ने भी इस मामले में कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया, जिसका सीधा मतलब था कि आकर्ष अपनी मर्जी से इस बारे में कोई भी फैसला ले सकता था। 3 साल, यह काफी अच्छा उपाय है। जिस प्रकार की आकर्ष की प्रतिभा है उसके साथ 3 सालों में वो बड़ी आसानी से वीणापति से आगे निकल जाएगा, फिर उसे वीणापति से डरने की भी कोई जरूरत नहीं होगी। यह तो तुमने सही कहा, 3 साल एक काफी लंबा समय होता है, विशेषकर आकर्ष जैसे योद्धा के लिए तो यह काफी लंबा समय है। इसमें वो इस मुकाबले के लिए काफी अच्छे से तैयारी भी कर सकता है। इस समय सिर्फ आकर्ष ही नहीं बल्कि गुरुकुल के सभी माध्यमिक शिष्य भी
आकर्ष की प्रतिभा और शक्ति को लेकर पूरी तरीके से आत्मविश्वास से भरे थे। जब वीणा पति ने सभी माध्यमिक शिष्यों की बातें सुनी तो एक पल के लिए उसके मस्तिष्क में काम करना ही बंद कर दिया। केवल अब जाकर उसे पता चला था कि आकर्ष अब भी सिर्फ 21 साल का है। सिर्फ 21 साल की उम्र में सृष्टिमंडल के 9वें स्तर में प्रवेश कर लेना, ऐसी प्रतिभा तो खुद उसके पास भी नहीं थी। अब थोड़ा सोचने के बाद उसे भी यही लगने लगा कि अगर आकर्ष को समय दिया गया तो वो वाकई ही उससे आगे निकल जाएगा, क्योंकि जब वह 21 साल का था तो उसने भी सृष्टिमंडल के 9वें स्तर में प्रवेश नहीं किया था। 2 साल, मैं तुम्हें 2 साल का समय देता हूं। 2 साल के बाद हम दोनों फिर से एक दूसरे के सामने होंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि उस समय तुम भीगी बिल्ली की तरह मुझसे छुपने की कोशिश नहीं करोगे। 2 साल बाद जब हमारा मुकाबला होगा तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि एक योद्धा की असली ताकत क्या होती है। उस मुकाबले में मैं तुम्हारी जान लेकर दिया को यह साबित करके दिखाऊंगा कि तुम उसके लायक नहीं हो, सिर्फ मैं उसके लायक हूं। कुछ देर तक सोचने के बाद वीणापति ने आकर्ष से कहा। अपनी बात खत्म करने के बाद उसने आकर्ष के जवाब का भी इंतजार नहीं किया और उस कृष्ण गरुड़ को नीचे आने को कहा। उस कृष्ण गरुड़ के आते ही वो एक बार फिर से उसकी पीठ पर जाकर बैठ गया और कुछ ही देर में सभी की आंखों से ओझल हो गया। वापस लौटते समय उसके चेहरे के भाव पूरी तरह से बदले हुए थे। वह जिस आत्मविश्वास के साथ यहां पर आया था वह अब उसके चेहरे पर से गायब हो गया था। 2 साल, जैसी तुम्हारी इच्छा। अगर तुम्हें मरने की इतनी जल्दी है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं? वीणापति को जाते देख आकर्ष ने एक धीमी आवाज में अपने आप से कहा। यह तो तुमने सही कहा आकर्ष, यह वीणापति वाकई बहुत ज्यादा बेशर्म है, तुम्हें इससे थोड़ा संभल कर रहना होगा, मिहिर ने एक धीमी आवाज में आकर्ष के कान में कहा। अगर 3 साल की बात होती तो मिहिर को पूरा विश्वास था कि आकर्ष अपनी उच्च प्रतिभा के साथ वीणापति से आगे निकल जाएगा और उसे आसानी से हरा देगा, मगर 2 साल, इतना समय आकर्ष के शक्तिशाली बनने के लिए पर्याप्त नहीं था। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, सच कहूं तो मेरे लिए 2 साल और 3 साल दोनों एक जैसे ही हैं। अब जब उसने खुद कहा है कि 2 साल बाद हम मुकाबला करेंगे तो 2 साल ही सही। इसी बहाने मुझे भी अपने ऊर्जा स्तर को जल्दी बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा, आकर्ष ने मिहिर को समझाते हुए कहा। उसकी बात सुनकर आसपास खड़े माध्यमिक शिष्य बड़े ही सम्मान के साथ उसकी तरफ देखने लगे। योद्धाओं की इस दुनिया में सिर्फ उसी को सम्मान दिया जाता था जिसके पास शक्ति होती थी, इसलिए आज आकर्ष को भी यह सम्मान मिल रहा था। आकर्ष की बात पर किसी ने सवाल भी नहीं उठाया था क्योंकि सभी जानते थे कि आकर्ष के पास ऐसी योग्यता है कि वह 2 साल के अंदर वीणापति को हराने की क्षमता प्राप्त कर लेगा। वीणापति को हराने के बाद न सिर्फ आकर्ष का नाम रोशन आने वाला था बल्कि उनके गुरुकुल को भी काफी ज्यादा प्रसिद्ध मिलने वाली थी। मालिक, इनसे मिलिए, यह मेरी मास्टर है, अग्नि विभाग की विभाग प्रमुख, और मास्टर यह है हमारे छोटे मालिक, दिया ने नयनतारा और आकर्ष का आपस में परिचय करवाते हुए कहा। जब वह आकर्ष को संबोधित कर रही थी तब ना चाहते हुए भी उसका चेहरा लाल होने लगा। आकर्ष को इस तरह से सभी के सामने छोटे मालिक कहकर संबोधित करना उसके लिए थोड़ा अजीब था। प्रणाम विभाग प्रमुख, दिया के द्वारा परिचय करवाने के बाद आकर्ष ने विभाग प्रमुख नयनतारा को प्रणाम करते हुए कहा। इस बार उसने प्रणाम करते समय अपने सर को भी हल्का झुकाया था, जो कि वो सामान्य तौर पर नहीं करता था। लगता है तुम्हारी नजरों में मेरा पद गुरुकुल के प्रमुख से भी बड़ा है। आकर्ष को अपने सामने सर झुकाते देख नयनतारा ने थोड़ा चौंकते हुए कहा। उन्हें अभी भी अच्छे से याद था जब आकर्ष ने गुरुकुल प्रमुख वर्धमान सिंह राठौड़ को प्रणाम किया था। उस समय आकर्ष ने प्रणाम तो किया था मगर अपना सर नहीं झुकाया था, लेकिन अब उनके सामने आकर्ष अपना सर झुका रहा था, जो कि उनके लिए भी थोड़ा अजीब और आश्चर्य से भरा था।